बादरायणम् सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहिलोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदताम अभिवर्दताम पुरुषोत्तम सम्मूलां श्रीवैश्वानर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम परां नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु श्री कृष्णाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वाल्लभियजन भगवदीयजन सनातन धर्मावलंबी समस्त सज्जन वर्ग, मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे इस जुमांतर्गत संग सदन में आप सभी का आज महापर्व ऐसे अक्षय तृतीया पे मैं खूब खूब आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही मैं उपस्थित जो वे में यहाँ बड़े विराज रहे हैं उन सभी को मैं आज अक्षय तृतीया के नमस्कार करता हूं और आप सभी प्रियजनों को खूब खूब शुभ आशीर्वाद देता हूं। सर्वप्रथम इस काल में ठाकुर जी आपको सुंदर आरोग्य प्रदान करे, सबको निरोगी काया दे और साथ ही में आध्यात्मिक बल प्रदान करे। आध्यात्मिक बल परम आवश्यक है। आदि भौतिक जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उससे जूझने के लिए एक आध्यात्मिक तेज, ओज, बल, ये तीनों ही वस्तु परम आवश्यक होती हैं। आज का जो अक्षय तृतीया का महापर्व है ये एक विलक्षण पर्व है क्योंकि ये दो तृतीया के साथ आया है और दोनों दिन तक मृग नक्षत्र एक सा विद्यमान है और आज किया हुआ जो भी जप पाठ भगवत सेवा कर्म और जो भी दान आदि हैं वो सब अक्षय हैं और अक्षय तृतीया अक्षय नवमी ये दो शुभ मितियों का कभी क्षय नहीं होता ऐसी कल हमारी चर्चा हो चुकी है। तो कहने का तात्पर्य कि आज जिन जिन लोगों ने अपने हाथ पवित्र किए हैं भगवत सेवा के अनुष्ठान में श्री ठाकुर जी श्रीमद आचार्य चरण श्री यमुना जी प्रभु चरण द्वय और आपके गुरुजन आपको भगवत भक्ति प्रदान करें। वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु, आपके वंश में जितम भगवतः वर्धताम कृष्ण भक्ति ही, आपके जीवन में कृष्ण भक्ति बढ़े और कृष्ण भक्ति के बढ़ने के लिए भी भौतिक जगत में सांसारिक स्तर पे भी सुखी होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जिनको केवल संसार में क्लेश है वही लोग भगवान की शरण में जाते हैं। मैं तो कहता हूं हमारे जीवन में सर्वदा सुख बना रहे इसलिए भी भगवान की शरण में जाना चाहिए क्योंकि ये जो भी सुखानुभूति हमको आज इस मानव देह के साथ हो रही है ये भगवत कृपा का ही प्रतिफल है। हम प्रभु से कुछ मांगते नहीं है पर जो प्रभु की अहितु की कृपा है उसके फल रूप ही हमको आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों स्तरों पे प्रभु सुख और दुख का अपने को आदान प्रदान करते हैं। मैं तो एक बात आपको स्पष्ट कहूंगा, भगवान किसी को भी दुख नहीं देते। दुख अपने कर्मानुसार मनुष्य के जीवन में आता है। आगामी
संचित, ये जो हमारे और प्रारब्ध, ये तीन जो कर्म होते हैं, या नित्य नैमित्तिक और काम्य, ये जो हमारे कर्म होते हैं, इन कर्मों के प्रभाव से हमारे जीवन में दुख आते हैं। दुख भगवत प्रदत्त नहीं होता, लेकिन सर्वदा सुख और आनंद का दान तो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि प्रभु श्री कृष्ण ही करते हैं। श्री कृष्ण परमानंदम, श्री कृष्णम परमानंदम दशलीलायुतम सदा सर्वभक्त समुद्धारे विस्फुरंतम परम नमः। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कृष्ण नाम सदा जपेत आनंदम परमानंदम वैकुंठम तस्य निश्चितम। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति योमां स्मरति नित्यश जलम भित्वा यथा पद्म्यम नरकाद्युद्ध्राम्यहम्। भगवान प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार सांसारिक स्तर से जागतिक स्तर पे और जागतिक स्तर से आदि दैविक स्तर पे प्रभु करते ही हैं। लोकोद्धृति करना ही, लोक का उद्धार करना, जन कल्याण करना, यही भगवान जनार्दन का मुख्य कार्य है। तो आपद सखा के रूप में भी हम श्री ठाकुर जी को ही देखते हैं। अपने ऊपर जब जब कोई विपदा आती है, कोई आपत्ति आती है, तो प्रभु अपनी विज्ञप्ति किए बिना ही, अपनी प्रार्थना किए बिना ही अपने कार्य में, कार्य को सिद्ध करने में और अनिष्ट निवारण और अभिष्ट प्राप्ति में प्रभु लग जाते हैं स्वयं ही। ये आपका करुणा वरुणालय जो स्वभाव है भगवान का, ये बस केवल भक्त परवशता जो भगवान में कूट कूट के भरी हुई है, भाई कितनी है ये तो हम, इसका तो कोई अनुमान भी हम नहीं लगा सकते कि भगवान कितना हम पे सर्वदा कृपालु होना चाहते हैं। भगवान जो कृपा हम पे नहीं कर पाते हैं, वो बस इसी कारण से कि हम रिसीविंग एंड पे प्रभु की कृपा के स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसी के लिए गुरुजनों की आवश्यकता है, इसी के लिए श्री यमुना जी की आवश्यकता है, इसी के लिए श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की आवश्यकता है कि जब हम पे प्रभु कृपा हो रही हो, जब विशेषतश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर हो रही हो, तो अपने अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार में हम भगवान के वाणी को या भगवान के अभिप्राय को अपने जीवन में हम समझ सकें। मैं आप सभी को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आज अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ दान या जो भी जप पाठ है या हमारा जो आध्यात्मिक कर्म है वो अक्षय रहता है, ये नहीं है, ये तो है ही। लेकिन श्री गोसाई जी तो आज्ञा करते हैं कि भगवत सेवा वैयर्थ्या संभवात जन्मांतरेषु फलिष्यति, मतलब भगवत सेवा अपने द्वारा जो भी की गई है वो तो कभी व्यर्थ जाती ही नहीं है, वो तो अक्षय फलदायी है। अगर इस जन्म में आपको नहीं प्राप्त हुआ कुछ, तो जन्मांतरेषु फलिष्यति, उसका फल आपको अगले जन्म में भी प्राप्त होगा ही। क्या हो गया, एब्राहमिक रिलीजन्स में जो बिलीव करते हैं उन लोगों के साथ रह रहे के हमारी भी एकदम चारवाक प्रधान बुद्धि हो गई इन दिनों में। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागनम कृतः, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो, मर गए फिर किसको उधार चुकाने आना है। ये जो एक भावना हमारे में आ गई है, इसके कारण हम स्वर्ग नरक वैकुंठ गोलोक ये सब कुछ विचारते ही नहीं है, और इसीलिए पापाचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। अगर मनुष्य को सच में कामना हो, आप आज भी देखो कि जो इतर धर्म हैं, मैं तो उनको पूर्ण रूप से धर्म भी नहीं कहूंगा, क्योंकि धर्मों को 10 लक्षण आवश्यक है, धृति क्षमा दमुस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 चीजें अगर एक पंथ में हो, मार्ग में हो, तब वो धर्म कहलाता है। और कहीं कहीं पे तो इतनी ज्यादा अहिंसा, क्या हिंसा ही हिंसा है, कि उन धर्मों को तो हम धर्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि अहिंसा भी एक बड़ा धर्म का अंग है। और हिंसक वृत्ति वाले लोगों को आप देखो, पूरे दिन जन्नत 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 करते रहते हैं, जहन्नुम की आग से बचने का प्रयास करते रहते हैं, और हर व्यक्ति हेल और हेवन के बारे में चिंता करता रहता है। एक अपना ही ऐसा वर्ग है विचित्र सा, जो कहता है जे छे अइया छे पछी कोणे जोयू छे सू थवानु छे, ऐसा सब विचित्र बातें हम ही करते रहते हैं। बाकी आप देखोगे तो सभी लोगों को वो जन्नत नशीन ही होना है, सबको हेवन में ही जाना है। नोबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेल, खाली बोलते रहते हैं पूरे दिन गो टू हेल, बाकी जानना किसी को नहीं है, ना भेजना है किसी को। लेकिन हमारी जो पाप में या यूं कहो कि अपराध या दोष बुद्धि के साथ रहने की हमारी आदत पड़ गई, जैसे बड़े बूढ़े कैसे कमर दर्द के साथ, घुटनों के दर्द के साथ रहने लग जाते हैं, वो ठीक उनके जीवन का अंग बन जाता है, वैसे ही हमारे साथ भी
आटलू तो थई जाए, आटलू क्या सुधी ध्यान रखिए आपने, आटलू तो चाले। ये सब जो हमारे में वृत्तियां आती हैं, ये सब इसीलिए आती है कि हमारे को कोई कामना ही नहीं है कि हमको उत्तम लोक प्राप्त हो, हमारे इस जन्म के बाद हमारी जो ऊर्ध्व गति हो उसमें हम भगवत धाम को प्राप्त हो, और भगवत धाम में हम वहां भी भगवान की नित्य किंकर होके कैंकर हमको मतलब उनकी सेवा प्रभु की हमको प्राप्त हो। ये सब कामना मनुष्य जीवन में नहीं होने कारण मनुष्य जीवन कैसे प्रतिक्षण व्यर्थ जा रहा है, और ये क्षण भंगुर देह कैसे हम बर्बाद कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर अपने समाज का ध्यान जल्दी से नहीं जाता। भगवान बार बार मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु इत्यादि वाक्य भगवान बोलते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य वामेकम शरणम व्रजा भगवान बोलते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद् व्रतम मम, रामचंद्र जी कहते हैं, कृष्णचंद्र जी कहते हैं, भगवान विष्णु रूप में कितनी आज्ञा प्रभु कहते हैं, अहम भक्त परा दीनो अस्वतंत्र इव द्विज इत्यादि। सुनते तो हम बहुत कुछ हैं पर बिल्कुल हमारी स्थिति वैसी हो जाती है कि एक समय पे एक चातुर्मास लग गया और कथा में एक पंडित जी कथा कर रहे थे कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, चातुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, और घर आए और घर आके अपनी पंडितायन को कहा कि चल अच्छा एक बैंगन का साग बना, बैंगन का साग खाना। उसने कहा अभी तो तुम प्रवचन करके आए बैंगन नहीं खाना, बैंगन नहीं खाना। उसने कहा वो बेटा वो तो कथा के बैंगन थे, घर के बैंगन थोड़ी थे, कथा के बैंगन नहीं बनते हैं चातुर्मास में। ये तो ऐसी कुछ परिस्थिति हमारी भी हो गई है। पुष्टि मार्गी लोगों को तो पाप पुण्य और अपराध और दोष और ये सब के विषय में प्रवचन ही व्यर्थ, क्योंकि वो तो जैसे ही ये सब कार्यक्रम पूरा होता है वापिस जैसे थे वैसे थे। कल मेरे पितृचरण ने एक अपरस के ऊपर, छुआछूत के ऊपर, हाथ की पवित्रता से लेकर और देह की पवित्रता कितनी आवश्यक है इसके ऊपर एक क्लिप बनाई, सबको भेजी, हमको भी सबको भेजी। मैं वो पूरी क्लिप 6-7 मिनट बहुत सुंदर मेरे पितृचरण ने एकदम बड़ों को जैसे आज्ञा करनी चाहिए अपन सबके जीवन में शुचिता लाने के लिए, पवित्रता लाने के लिए, शौचाचार पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने बहुत सुंदर आज्ञा की। लेकिन मैं विचार यही कर रहा था कि ये 7वें मिनट बाद दूसरा आदमी ऐसे ही करके बैठा होगा, ये करके करके, मतलब हमारे गुरुजनों के जो वाक्य हैं, उपदेश हैं, वो मतलब ऐसा तो आदमी के हाथ खसा करने जाएगा तब क्या उसको बैक्टीरिया जर्म ये वो कुछ सूझता है? नहीं सूझता है। बड़े लोग अपना कार्य करते रहते हैं, हम हमारा कार्य करते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ये वो समझो कि ढोर के आगे भागवत पढ़ने जैसी कुछ वार्ता होके रहेगा। यह क्योंकि आप लोग सबों को नारायण कवच आदि की आज्ञा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो गुरु कवच पहन के बैठे हुए हो कि भाई गुरु के वाक्य कैसे जाते हैं और टकरा के वापस लौट जाते हैं, वो अंदर प्रवेश ही नहीं करते किसी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द विदिन, कब कब आएगा समाज में कि हम खुद ये सब चीजों के प्रति आग्रह रखें, अपरस के प्रति, सूतक के प्रति, पिंडरू के प्रति, अटकाओं के प्रति। आपको तो पता है मैं तो मर्जादियों का विरोधी हूं, मुझे तो ये मन मर्जाद की जो टोटल व्यवस्था है ये पुष्टि मार्ग में पसंद ही नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपरस के द्वेषी हैं। हमको अपरस में हमारी बहुत श्रद्धा है, शुद्धता में, पवित्रता में, आचार धर्म में, आचारो परमो धर्म हम भी मानते हैं। हाँ हम इतना है कि आज देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए उसके अनुसार लोगों को प्रवचन करते हैं। हम अभी भी 200-250 साल पहले की परिस्थिति में नहीं बैठे रहते, हमारे में सिर्फ इतना ही फर्क है। फिर भी कितने ही लोग हमारे को आके कहते हैं अरे अपना त्या तो ठीक थे पर हमारा गुरु घर्मा बहुत तगड़ी अपरस हो, बहुत तगड़ी अपरस। अरे तो वो अपरस में ही बैठे रहने दो भाई, हम क्या कर सकते हैं उसका, हम तो सब रस में रहेंगे क्योंकि हम कृष्ण रस में रहते हैं, कृष्ण सब रस में रहता है, हम भी सब रस में रहते हैं। अपरस करते हैं पर अपरस की एक अवधि होती है, अपरस का एक स्थान होता है, अपरस का एक समय होता है, एक अनवसर भी तो होता है, अनवसर में सब रस में रहना चाहिए। हाँ इतना है कि ये सब चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। भगवत कृपया आप में से जिन जिन लोगों को मेरे पिताजी की वो क्लिप पहुंची हो मेरे गुरुदेव की, आप जरूर उस चीज को आगे बढ़ाइएगा, बांटिएगा। आप श्री ने भी आज्ञा की है कि भाई ये कोई पर्सनल रखने की चीजें थोड़ी हैं, अपने को जितना हो ये सब चीजों को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए। शायद किसी को हकीकत में लगे कि हाँ मैं थोड़ा, देखो ऐसा है क्लीनलीनेस, प्योरिटी, हाइजीन इत्यादि रूपों में तो ऑस्पिशियसनेस, सेक्रेडनेस, ये सब चीजें तो अन्य लोग भी मानते हैं, हम क्यों ना माने। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जितना हो सके अक्षय तृतीया पे, ये बड़े बड़े पर्व संकल्प लेने के लिए भी होते हैं, थोड़ा संकल्प लें कि संप्रदाय की जो मेन,
संप्रदाय की जो परिपाटी है, संप्रदाय का जो कल्चर और ट्रेडिशन है, उसमें जहां तक हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे जरूर करेंगे। यावत शक्य, जितनी हमसे ताकत हो, हमको जितनी महाप्रभु जी सामर्थ्य दे, हमारी परिस्थिति जितनी अनुकूल करे, हमारे साथ वालों की मनोवृत्ति अनुकूल करे संप्रदाय और धर्म के, जहां तक हम पाल सकेंगे हम जरूर हर चीज की व्यवस्था में भाग भजेंगे इस चीज का कि हाँ कुछ मार्गीय पद्धति के हम पास पहुंचे। महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्री गोपीनाथ जी किन्हीं के भी ग्रंथों में मर्यादी, जो आज का युग में जो मर्यादी लोग जीते हैं जिस प्रकार का जीवन, ऐसी कोई व्यवस्था शास्त्रों में तो नहीं है। यहाँ तक कि 252-84 वैष्णव की वार्ताओं में भी श्री महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने प्रत्येक वैष्णव के घर की, उसकी खुद की परिस्थिति को देख के और उसके साथ सेवा में कितने सेवक, टहलुआ, परचारक, घर के लोग हाथ बांटने वाले हैं, इसको देख के ही धर्मोपदेश, भगवत भक्ति का उपदेश, भगवत सेवा का क्रम वैसे ही स्थापा। यही तो हम इतने दिनों से आपको बता रहे हैं, यही तो हम सत्संग कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को एक से थर्मामीटर, एक से बैरोमीटर से उसकी भक्ति को मत मापो। भक्ति के अलग अलग स्तर हैं, भक्ति के अलग अलग रूप हैं, भक्ति के अलग अलग, जैसे 84 भक्ति सूत्र हैं नारद जी के, तो वही 84 ढंग से भक्ति को बताया गया है कि ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। हमको जो प्रकार की भक्ति हमारे जीवन में महाप्रभु जी ने खुद ने आपको नहीं विभाग करके दिया है, सेवायाम वा कथायाम वा यस्याशक्तिर दृढ़ा भवेत्, आप किसी एक में दृढ़ होइए, या सेवा में दृढ़ होइए, या कथा में दृढ़ होइए, या श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लीजिए जो साक्षात नामात्मक स्वरूप है, पुराण पुरुषोत्तम है प्रभु का, और या रूप में आ सकते हो कि प्रभु की परिचर्या करिए, प्रभु की स्वरूप सेवा करिए। तो कहने का मतलब नाम सेवा या रूप सेवा में से किसी एक सेवा में तो व्यक्ति को दृढ़ होना चाहिए, भजन में दृढ़ होना चाहिए, अष्टाक्षर पंचाक्षर की मालाओं का सातत्य होना चाहिए जीवन में। ये सब चीजों से ही आपके जीवन में अध्यात्म आएगा। आज लोग पीछे पड़े हुए हैं मेडिटेशन, योगा, मेडिटेशन, आई डू योगा, आई डू मेडिटेशन, क्या हुआ? कुछ डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन दूर हुए उनसे? नहीं हुए। मेडिटेशन कर करके भी चिंता तो उन्हीं चिंताओं की कर रहे हो जो चिंताएं तुमको सता रही। क्या मेडिटेशन, मेडिटेशन मैक्सिमम फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड लोग आज की तारीख में मेडिटेशन और योगा के मार्ग में बैठे हैं। पहले योगा के मार्ग में अपने जीवन के यदा कर्म विपाकेशु लोकेशु निर्यात्मसु विरागो जायते सम्यक न्यस्ताग्नि परिव्रजेत परिव्रजन करते थे जो लोग, वो जाके योगनिष्ठ होते थे। पहले ध्यान में सब स्थित होते थे, पर योग आदि में निष्ठ कौन होते थे कि जो अपना सब जीवन में करने का काम कर चुके हैं, अब सब चीजों से निवृत्त होके केवल भगवत ध्यान में अब तत्पर हैं। तो ध्यान ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा, जिनने इस प्रकार से अपने मन को वश में किया है, तो ये तो मन को वश में करने की व्यवस्थाएं हैं। मन तो खुद तुम्हारा अतिशय उद्विग्न चित्त है और व्यग्र है, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारी स्थिति क्या होगी कि तुम सर्वदा उद्विग्न चित्त ही रहोगे। चित्तोद्वेगम विधायापि हरिरि अद्यत करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम तेजे, भगवान वल्लभाचार्य आज्ञा कर रहे हैं और दूसरी आज्ञा श्री ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे यो मुक्त सच मे प्रिय। भाई आप कैसे होने चाहिए, अगर आप भक्त हो तो आपके द्वारा कोई व्यक्ति उद्विग्न चित्त नहीं होना चाहिए, और कोई कितना भी आपको त्रास देने का प्रयास करे, आप उसके दिए हुए त्रास से आप भी उद्विग्न नहीं होने चाहिए हो। अगर आप ऐसी परिस्थिति में आते हो तो ठाकुर जी कहते हैं सचम ये प्रिय, ये मेरे को प्रिय है, क्योंकि ना ये किसी को त्रास देता है और ना किसी के त्रास का इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम बार बार किसी के हर्षामर्ष भयोद्वेग रो जा रहे हैं तो काय बात के अपन भक्त हैं। गोसाई जी तो पहले ही पूछते हैं नवरत्न की टीका में, ननु भगवदीया नाम कथम चिंतोद्भव, अगर तू भगवदी है तो चिंता काय बात की, भगवान का है तो चिंता काय बात की, भगवद आश्रित है तो चिंता काय बात की, भगवत समर्पित है तो चिंता काय बात की, गले में कंठी है तो चिंता काय बात की। वो क्या याद दिला रही है, कोई ना कोई स्वामी बैठा है, कोई ना कोई स्वामी हमारे ध्यान दे रहा है, और वो स्वामी कौन है, पूरा जगत नियंता जगन्नाथ है। वो कोटि कंदर्प लावण्य युक्त ही नहीं है, वो कोटि ब्रह्मांड नायक भी है। तो जो कोटि कंदर्प लावण्य युक्त होता हुआ भी कोटि ब्रह्मांड नायक हो, ऐसे प्रभु के अपन दास हैं, तो अपनी उपेक्षा क्या प्रभु कर सकते हैं? अपनी उपेक्षा प्रभु नहीं कर सकते। दास्य से जितना आपको रक्षण और पोषण दोनों मिल सकता है, उतना मुझे नहीं लगता है कि भक्ति मार्ग इतर कर्म ज्ञान योग हठ योग आदि कोई भी मार्ग से आपको उतनी निश्चिंतता संपादन
हो सकती है, निश्चिंतता तो नहीं मिलेगी। मैयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमाम, ते में युक्त तमाम, मेरे को तो भाई वही लोग ठीक लगते हैं जो मेरे से आविष्ट चित्त रहते हैं। तो भगवान में आविष्ट चित्त रहने के लिए भगवान नाम जो है वो बहुत जरूरी है। कल हमने ऐसा नक्की किया था कि आज जब हम वार्ता जी उठाएंगे तो सबसे पहले वो जो दो कीर्तन जिसमें एक में अष्टाक्षर का भाव और एक में पंचाक्षर का भाव, इस प्रकार से सगद्य पंचाक्षर का भाव जो श्री कृष्णदास जी ने कुम्मन दास जी की आज्ञा से भगवदीयों की मंडली को, भक्ति की मंडली को जो उपदेश किया, आज अपन उसका चिंतन करेंगे। उसके साथ अपन एक गंभीर विषय में प्रवेश करेंगे कि जो आगे गंगाबाई का चरित्र, कृष्णदास अधिकारी जी का जो अब जो चरित्र आएगा, ये चरित्र में लीला संबंध, लीला संबंध में लीला में हुए हुए अपराधों के कारण किस प्रकार से और श्री गुसाई जी का भगवत सेवा में प्रवेश निषेध किया उन्होंने, और किस प्रकार से श्रीनाथ जी का षण मास का विप्रयोग वियोग श्री गुसाई जी को, आप स्वयं को इस लोक में प्रादुर्भाव होने कारण, प्राकट्य लेने कारण आपको सहन करना पड़ा, इस सब चीजों की पूरी कथा आएगी। ये कथा को व्यवस्थित नहीं समझने के कारण अपने से मार्ग में अपराध भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक ये वाली कथा को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें श्रीमद आचार्य चरण के सेवक होके और आप कृष्णदास जी अधिकारी जी अपने अधिकारी पद का यूं समझो के प्रयोग करते हुए श्री गुसाई जी की ड्योढ़ी बंद कर रहे हैं, गुसाई जी का स्वयं का सेवा में आना आप रोक रहे हैं, तो वो सब जो प्रकार और प्रकरण अब कथा में चलेगा आज, तो आज कल परसों इसको बहुत शांति से हमको डील करना पड़ेगा। ऐसे तो मैं देख रहा हूं कि मेरे साथ नित्य सत्संग में आने वाले लोग फेसबुक लाइव पे हों, यूट्यूब पे हों या जूम की हमारी सत्संग सदन में पधारते हों, आप सब लोग नित्य आ ही रहे हो और मुझे बहुत बल दे रहे हो कि मैं मेरा आचार्योचित कर्तव्य ये लॉकडाउन के समय में और कोरोना काल में भी मैं इस एक घंटे के माध्यम से मैं अपने आचार्योचित धर्म का निर्वाह कर पा रहा हूँ, जो भी एक भगवान मार्ग में रह के उपदेश करना जो मेरा कार्य है, तो एक उपदेशता के रूप में यहाँ मुझे सत्संग का जो सौभाग्य आप लोगों से मिल रहा है, मैं उसमें एक एडिशन करना चाहूंगा कि आगामी 3-4 दिन जो हम ये खास करके कृष्णदास जी का ये वाला चरित्र लेने वाले हैं, जिसमें गंगाबाई का स्वरूप, श्री अधिकारी जी का स्वरूप, श्री गुसाई जी का लीला में स्वरूप, ये सब चीजों को बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रह के सुनिएगा। हो सके तो ये 2-3 दिन आप जूम सभा को मिस मत करिएगा, क्योंकि संप्रदाय कितना लीला से संबंधित है और लीला संबद्धता कितनी प्रगाढ़ है, मतलब आज का वैष्णव ऐसा सोचता है कि ये तो वो लीला वाले लोगों की बात है, पर आप मत भूलिए कि आप भी दैवी सृष्टि के ही एक अंग हैं, आप भी वही लोग हैं कि जिनके लिए पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट आज्ञा की है कि इच्छा मात्रेण मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टि कायेन निश्चया। प्रवाही लोगों को भगवान ने अपनी इच्छा से प्रकट किया, जो वेद मार्ग के मर्यादा मार्गी लोग हैं उनको भगवान ने अपनी वाणी से प्रकट किया, लेकिन जो पुष्टि मार्गी हैं, जो जो भगवत सेवा के लिए ही जिनका जन्म है, उनको प्रभु ने अपनी काया अपनी देह में से अपने शरीर में से प्रभु ने प्रकट किया। वो वाणी और इच्छा मनसा प्रकट नहीं हुए, वो तो खास मतलब तस्मात् जीवः पुष्टि मार्गे भिन्ना एव न संशय भगवत रूप सेवार्थं तत्सृष्टिर नान्यथा भवेत्। प्रभु उनकी सृष्टि नहीं करते यदि प्रभु को उनको अपनी सेवा नहीं करानी होती। लोग मुझे ऐसा बार बार पूछते हैं कि ऐसे तो हजारों लाखों वैष्णव हैं कि जो ब्रह्म संबंधी होके सेवा नहीं करते, तो उनको संप्रदाय में फल कैसे मिलता है, उनको संप्रदाय से क्या क्या उपलब्धि होती है उनकी, तो ये जन्म तो उनका व्यर्थ गया। मैं उनको कहता हूं नहीं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अष्टाक्षर और सगद्य पंचाक्षर मंत्र श्रवण किए हुए किसी भी व्यक्ति का जन्म व्यर्थ जा ही नहीं सकता। हमको ऐसा लगता है कि इस जन्म में उसको सेवा नहीं मिली, लेकिन मैं कहूंगा कि इस जन्म में उसको उसकी पात्रता और उसकी अधिकार अनुसार इतनी ही सेवा लिखी थी कि वो व्रत करके गुरु सन्मुख आए और भगवत सन्निधान में गुरु सगद्य पंचाक्षर मंत्र उसके हाथ में तुलसी देके उससे उच्चारण करवाएं और वो तुलसी जी भगवत चरणारविंद में समर्पित हो और वो उसको कम से कम मुक्तिदायक हो।
वो मुक्ति उसको उसके सांसारिक बंधनों से हो, लोक में आधि व्याधि उपाधि से हो, या जिस चीज से भी भगवान करुणा करके उसको देने का प्रयास करें। लेकिन मैं तो कहूंगा सेवा तो इतनी भी सेवा कि बस ये जो चार दल तुलसी के उसके हाथ में दिए गए वो सगद्य पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण गुरु मुखोद्गत श्रवण करके अपने हाथ से प्रभु के मतलब पात्र में पधरा के और गुरु उसको लेके ठाकुर जी के चरणारविंद में जो पधरा रहा है, उतनी भी सेवा यदि किसी व्यक्ति की हुई है तो वो उसका जन्म व्यर्थ नहीं गया। एक बार भी पुष्टि पुरुषोत्तम के चरणारविंद में भगवत प्रिया ऐसी स्वामिनी स्वरूपा तुलसी जी का उसने संसर्ग और संस्पर्श करवाया। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ी कृपा कानी सन्निधान जो समझो आप उस रूप से, तो उतना ही समझो कि उसके इस जन्म में उसकी यावत अधिकारिता और पात्रता थी उतनी तो उसको प्राप्त होगी, कोई व्यर्थ नहीं गया उसका जीवन। ऐसा कहना बिल्कुल गलत बात है। अरे छोटे छोटे बच्चे अष्टाक्षर लेने आते हैं, वो 40 दिन के 41 दिन के बस शुद्ध होके बच्चा हमारे पास आ जाते हैं। अभी तो 2 महीना 2.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, उनको अष्टाक्षर हम देते हैं, उनको क्या फलित नहीं होता है? उनको क्या शरणागति प्राप्त नहीं होती? निश्चित उनकी शरणागति होती है, क्योंकि शरण आगति है ना भाई, शरण देने वाला स्वयं आ रहा है, शरण गति नहीं है, शरण आगति, शरण स्थान जो है वो तुम्हारे पास चल के आ रहा है। प्रभु अपने को शरण देने ना आ रहे हो तो पुष्टि काय बात की, कृपा काय बात की बताओ? अगर सब चीज मर्यादा ही है कि मैं जाऊंगा शरण लेने, अरे ये तो हम मूढ़ लोगों के वो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारम इति मन्यते, ये तो अहंकार के कारण मनुष्य सोचता है मैं गया था कंठी लेने, मैं गया था ब्रह्म संबंध लेने, मैं गया था ठाकुर जी पुष्टाने। अरे तुम नहीं गए थे, तुम भगवान द्वारा बुलाए गए थे कि अब समय आ गया है अष्टाक्षर लेने का, अब समय आ गया है ब्रह्म संबंधी होने का, अब समय आ गया है कि अब ठाकुर जी तुम्हारे माथे बिराजे और तुम भगवत सेवा करो। ये क्या इतना अहंकार व्याप्त है कि हूं गयो छो हमणा हूं विचारू छू लई लू हमणा हूं विचारू छू पछी लईस। तुम विचारने लायक स्थिति में हो कि विचारोगे कि तुम कंठी लो के नहीं, तुम ब्रह्म संबंध लो के नहीं? अरे तुम्हारे विचारने से क्या हुआ आज तक बताओ ना मुझे, बहुत कुछ विचारा तुमने तुम्हारे जीवन के लिए, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं हुआ। हमारा विचारा हुआ कुछ नहीं होता है, जो भगवत विचारित होता है वही जीवन में होता है और वही हो रहा है, वही भक्ति मार्ग की रीत है। इसलिए मैं तो बारम्बार कह रहा हूं जो पुष्टि मार्ग में अपने कर्म धर्म फलीभूत हुए हैं, ये कृपा 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 से इतर कोई चीज से हुए ही नहीं है, ये कृपा मात्र ही है जिसका अवलंबन हम सबको करना चाहिए। मैं तो किसी के लिए नहीं है तो मैं तो खुद के लिए भी ये बात कहता हूं, आज हमसे जो भी हमारे हाथ पवित्र भगवत सेवा के अनुष्ठान में हमारे पूर्वाचार्यों की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से, हमारे पितृचरण की कृपा से हम कर पा रहे हैं, इसमें केवल और केवल कारण उनकी अनुकंपा और उनका अनुग्रह है, और वो उनकी अनुकंपा और अनुग्रह भी अहैतु की है, वो बिना कारण के आपसी ने किए। तो बस ये महाप्रभु जी गुसाई जी और श्री अमना जी के मार्ग में, श्री गिरिराज जी के मार्ग में आके यदि हम ये ना सीख पाए जीवन में कि ये हर चीज हम नहीं कर रहे हैं, हमसे प्रभु करवा रहे हैं। आज अपन एक अच्छी सामग्री भी बनाते हैं तो अपन ये कहते हैं कि आज ठाकुर जी बहुत सुंदर अरोगे, आज ठाकुर जी को सुहाई, अपन ये नहीं कहते वाह मजा आ गया चटकारा लेके खाया, ऐसा थोड़ी कहते हैं। हम क्या कहते हैं, आज ठाकुर जी को प्रिय लगी, आज ठाकुर जी ने मेरे हाथ से अच्छी चीज बनवाई, तो ये ठाकुर जी का करा हुआ है। तो भाई यज्जत विभूति मत सत्तम श्री मधुर्जित में हुआ तत्तदेवावन गच्छा मम तेजोंश संभवम, जहां कहीं भी अर्जुन तू कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज देखे तो समझ लेना कि वहां मेरा ही तेज मेरा ही अंश काम कर रहा है। विभूति योग में भगवान ने नहीं कहा, भगवान ने कहा जहां भी कुछ एक्स्ट्रा देखो कि हाँ कुछ हमेशा से कुछ बढ़ के, समझना वहां मेरी विभूति ही कार्य कर रही है अर्जुन, बस यही विभूति योग है। तो अपन तो भगवान की ही विभूति, भगवान का ही अंश, भगवान के ही जीव, भगवान के ही दया पात्र हैं कि अपने ऊपर दया करके दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि, अपन रोज बोल रहे हैं और अपन ठाकुर जी की कृपा का स्वरूप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो इससे बड़ी विडंबना इस मानव जीवन में क्या होगी, एक वैष्णव जीवन में क्या होगी कि वैष्णव देह वैष्णव घर वैष्णव कुल वैष्णव गुरु वैष्णव मार्ग में आके भी अपनी भक्ति अपन दृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब फिर क्या कौन से कुकर सुकर आदि योनि में जाके करोगे भाई? यही जन्म मिला है और इस समय तो ये कोरोना काल ने हर व्यक्ति को ये अनुभव करा दिया है कि हम आज हैं और कल हैं कि नहीं हमको नहीं पता। तो धर्म का अनुष्ठान करना है तो आज ही कर लो, क्योंकि धर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा,
कर्म करेंगे वो तो पीछे वाले ही भोगने वाले हैं, अच्छे करेंगे तो अच्छा भोगने वाले हैं, बुरा करेंगे बुरा भोगने वाले हैं। ये जो जाने वाला है साथ में, बस उसकी चीजों के बारे में चिंतन करें तो मुझे लगता है लाभ है। आप लोग सब तो लाभ अलाभ के बारे में मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हो और सोचते हो, पूरे दिन बैठे बैठे हिसाब करते रहते हो। तो भाई थोड़ा कर्मों का भी हिसाब करो, धर्म का भी हिसाब करो, और साथ में भावनाओं का भी हिसाब करो कि हमने किस भाव से कौन सा कर्म किया, क्योंकि हर कर्म के पीछे रही हुई भावना ही मुख्य है। ये पूरा संप्रदाय भाव प्रधान है, और जब भावना में विशुद्धता आएगी तब क्रिया अपनी पवित्र हो जाएगी, और जब क्रिया अपनी पवित्र हो जाएगी तब अपने ऊपर जो कृपा हो रही है ना, वो कृपा अपने को समझ में आएगी। तो कृपा को समझो और आओ अपन सत्संग में प्रवृत्त हो। मैं तो क्या कहूं, वो वैसी आदत पड़ चुकी है, रुकता नहीं कुछ। हाँ, तो कल हम यहाँ थे कि कृष्णदास जी ने कुम्मन दास जी के आग्रह से गाया, कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे उच्चरे रेन दिन नित्य प्रति सदा पल छिन्न घड़ी करत विध्वंस जन अखिल अग परिहरे। जो व्यक्ति कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे, जो कृष्ण का ध्यान करके, यहाँ कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे, यहाँ दो बार कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। तात्पर्य यह है कि मंत्र का जाप ध्यान बिना नहीं होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। मैं तो हमेशा सबको कहता हूं, आप जो रूप में भी अपने ठाकुर जी को देखते हो, आप पहले लालन विराजते हो तो श्री नवनीत प्रिया जी का या बालकृष्णलाल जी का ध्यान करो। नवनीत प्रियम नवमी विठलेश मुदावहम राजत शार्दूल नखरम रिंग माणम ब्रजांगण। बालकृष्णलाल प्रभु विराजते हो तो नंदांगना लालित वक्र चंद्रो विधीश दुष्प्राप्य पदारविंद विराजता मूर्धनि भक्ति गम्य श्री बाल कृष्ण कुल देवतम में। कोई भी रूप में लालन विराजते हो, ठाकुर जी श्री गोवर्धनधर आपके घर विराजते हो तो वामे करे गिरीम स्त्रेशु मिथुम इंद्रे च साध्वसम धारयंतम अहम वंदे चित्रम गोपेशु गोप्रियम। श्री गोवर्धनधर का ध्यान करो, श्रीनाथ जी का ध्यान करो। कुछ याद नहीं आवे तो बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम पूरा पाठ करके ये श्लोक का, और फिर अष्टाक्षर करो। तो अष्टाक्षर करने की भी एक मर्यादा है कि सुमेरु पे पहले अपना ध्यान स्थिर होना चाहिए, उसके बाद रटन मनन मननात्रायति इति मंत्रः, जिसका बार बार मनन करने से त्राण मतलब हमारा उद्धार हो, उसको हम मंत्र कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण श्री कृष्ण शरणम मम उच्चरे, श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए जो श्री कृष्ण शरणम मम इस प्रकार से उच्चरे, तो वो रैन दिन नित्य प्रति, जो रैन में करे दिन में करे कभी भी करे, क्योंकि तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भी रेव सततम स्थेय मित्येव मे मति इति श्रीमद वल्लभाचार्य विरचितम नवरत्नम। नवरत्नम संपूर्ण, नवरत्न में छल्ले महाप्रभु जी ने यह स्पष्ट आज्ञा की है कि तथा सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भी रेव सततम। अब देखो, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम, सर्वात्मना नित्यम दो शब्द है वहां पे, वो सर्वात्मना नित्यम को ध्यान में रखो कि हमको जब भी प्रभु का जाप करना है उनके मंत्र का, तब हमको रैन दिन नित्य प्रति सदा पल छिन घड़ी, पल में छिन में घड़ी में जितने में जब तुमने करत विध्वंस जन अखिल अग परिहरे, सबसे पहले तो हमारे समस्त जो हमारे अग हैं, हमारे दोष हैं, हमारे जो अपराध हैं, हमारे जो पाप हैं, सबसे पहले तो कृष्ण नाम हमारे जीवन में आके उन सब अघों को दोषों का मार्जन करता है, उसको शुद्ध करता है। होत हरि रूप ब्रजभूप भावे सदा अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे। होत हरि रूप, जितना व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करता है उतना कृष्णमय और कृष्णमय से कृष्ण रूप होता चला जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि होत हरि रूप ब्रजभूप भावे सदा, ब्रजाधि प्रभु जो श्री कृष्ण है ब्रजराज, ऐसे ब्रजाधीश प्रभु का अपने को भावे सदा, और प्रभु प्रिय लगने ही लगने लग जाते हैं, अपनी प्रीति ठाकुर जी में दिन प्रतिदिन वो वृद्धिंगत होती है। ये अष्टाक्षर का सबसे गजब का फल है। और अगम भव सिंधु को बिना साधन तरे, और जो अगम्य है भव सिंधु, भव सिंधु मतलब ये संसार समुद्र, ये संसार समुद्र तारना जो भटकना कठिन पड़ रहा है, इसको बिना ही कोई साधन के वो व्यक्ति पार करता ही चला जाएगा, मतलब केवल अष्टाक्षर करता रहेगा और वो भवसागर पार कर जाएगा। ये बात कैसी कही भाई, ऐसे कही कि भाई होत हरिरूप ब्रजभूप भावे सदा,
अपन जैसे जैसे हरि रूप होते चले जाएंगे तो व्यक्ति जो संकल्प करेगा तो सत्य संकल्प भगवान की तरह उसके भी संकल्प स्वयं सिद्ध होते चले जाएंगे। इस प्रकार की सामर्थ्य कृष्ण नाम उसमें देगा। ये कृष्ण नाम के सामर्थ्य की बात है, व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं। रहत निस दिवस आनंद उर्मे भरे, बोलो रहत निस दिवस आनंद उर्मे भरे, रात्रि हो कि दिन हो उसके उर्मे हृदय में आनंद सर्वदा भरा रहे। और कुष्ठी लीला सकल सार उर्मे धरे, और पुष्टि की जो लीला है उसका सकल सार जो है वो उसके हृदय में विराजे। मतलब आप सोचो कि नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्त तथा षड्भिर विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। अपने हृदय में ये पूरे पंचधा प्रकरण युक्त ये 87 अध्याय अपने हृदय में विराज जाए, इससे बड़ी क्या मतलब कृपा होगी। पुष्टि लीला सकल सार उर्मे धरे, श्री महाप्रभु जी ने कैसी कृपा की है जो अपने को ऐसा प्रकार दिया है कि अपन चाहें तो पूरे दशम स्कंध को अपन अपने हृदय में धारण करके रखें। श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के माध्यम से पूरी श्रीमद् भागवत को अपन धारण करके रखें। यस्य प्रसादाद् वागीशा प्रजेशा विभुन्नता शूद्रा विभुन्त्याशु श्रीकृष्णं तं नतोऽस्म्यहम्। अनन्ता एव कृष्णस्य लीला नाम प्रवर्तिका उक्ता भागवते गूढा प्रकटा अपि कुत्रचित् अतस्तानि प्रवक्ष्यामि नामानि मुरवैरिणा सहस्त्रं यैस्तु पठितं पठितं स्यात् शुकामृतं। जो इस सहस्त्र नाम को पढ़ेगा उसको शुकामृत पूरी श्रीमद् भागवत जी का फल मिलेगा। तो भागवत जी आपके हृदय में स्थापने को महाप्रभु जी तत्पर विराज रहे हैं। महाप्रभु जी आपके हृदय में पुष्टि लीला सार ये जो सेवा है वो सेवा अपने हृदय में स्थापने को तत्पर श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। ये पूरे दशम स्कंद को पंचदा हृदये मम अपन कहें और अपने हृदय में ये पूरी लीला आ जाए, इस प्रकार का सब अपने को विधान देके श्री महाप्रभु जी आप कृपा करके अपने माथे विराज रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं और अपन को ये उपदेश कर रहे हैं कि तुम कृष्ण नाम रटो कृष्ण शरणम मम बोलते रहो तो क्या हम ही बोलते रहे? नहीं। रमा अज शिव शेष सनकादि शुक शारदा व्यास नारद रटे पल मुख न डरे। अरे इनके तो एक पल भी इनके मुख से ये कृष्ण नाम नहीं टरता है, मतलब ये छोड़ नहीं पाते। कौन? तो क्या रमा लक्ष्मी जी, अज ब्रह्मा क्योंकि वो कमल योनि है अजन्मा है तो अज मतलब ब्रह्मा, तो कहते हैं कि रमा अज शिव शिष्य शिव तो रटेंगे ही वैष्णवानाम यथा शंभु, भाई महादेव जी से जैसा भक्त कौन सा है। वो कहा कि शेष शेष जी सहस्त्र मुखों से, एक मुख से नहीं सहस्त्र मुखों से रट रहे हैं। और सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार शुकदेव जी शारदा मतलब साक्षात ये वाग देवता जो हमारी सरस्वती जी है वो शारदा, और व्यास वेद व्यास जी नारद जी रटे पल मुख न टरे। ये सब महान विभूति जो हैं ये भगवान के अंश से समुद्भूत जो भगवान का लीला परिकर है, भगवान का ये सार्वभौमिक परिकर जो है ये सब यही कार्य कर रहे हैं। और लाल गिर धरन की महिमा अतुल जगमगे शरण कृष्ण दास निगम नेति नेति करे। और लाल गिरधरन की महिमा ये जो पूरी है किसकी महिमा है? ये लाल गिरधरन की महिमा है, श्री गोवर्धन धर की महिमा है। अतुल जगमगे भाई इसकी तुलना तो हम किसी चीज से नहीं कर सकते हैं। अष्टाक्षर मंत्र को हम किससे तोलें? हम किसी से इसको नहीं तोल सकते हैं। शरण कृष्णदास इसी के माध्यम से कृष्णदास भी शरण आए हैं और उनकी महिमा गाने में तो निगम नेति नेति करे। निगम भी कहता है न इति न इति, इसके आनंद की गणना इसके प्रभाव का वर्णन हम इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उपनिषद कहते हैं वेद कहते हैं आचार्य चरण श्रुति गीता में आज्ञा करते हैं कृष्णानंदो परानंद नान्यानंद तथा विद वेदा अपि न तत्शक्त्या प्रतिपादयितुं स्वतः। ये वेदों की भी शक्ति नहीं है कि कृष्ण के आनंद की गणना या उसका वर्णन सही ढंग से कर सके, ये तो केवल अनुभव में आने का विषय है। इसलिए हम यदि शांति से श्री महाप्रभु जी की बात को समझें तो अलौकिको ही वेदार्थ हो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च प्रसादात् परमात्मनः। हम तपस्या के द्वारा वेद युक्तियों के द्वारा या केवल भगवत कृपा से ही इन सब चीजों के सार को समझ सकते हैं। इसमें गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। जब प्रभु अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं तो एक समर्थ गुरु
हमको प्राप्त होते हैं और वो समर्थ गुरु हमारे हृदय में ये सब भावों को जगाने में सक्षम मिल जाते हैं। तो यह अष्टाक्षर को भाव कही के अब पंचाक्षर को भाव कीर्तन में गाए सोपद, ये नाम निवेदन संस्कार जो अपने होता है, श्री कृष्ण शरणम मम इसका जो दान करके और भक्ति के बीज को अंकुरण की ओर ले जाया जाता है, जिसके बाद अब कैसे हमारा भक्ति कल्पद्रुम विकास करता है। तो आत्मनिवेदन संस्कार ब्रह्म संबंध के प्रकार से जो सगद्य पंचाक्षर मंत्र जुड़ा हुआ है, तो उसके विषय में यहाँ पे कह रहे हैं, कृष्ण ये कृष्ण मन माँ ही गति जान। सबसे पहले तो श्रीमद आचार्य चरण ने हमको कितनी बार कहा, कृष्ण एव गतिर ममा, कृष्ण एव गतिर ममा, कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, कृष्ण ही हमारे गति हैं, वही हमारी मति हैं और वही हमारी रति भी बने। बस इसी के लिए त्रिविध नामावली जैसे दिव्य ग्रंथ श्री महाप्रभु जी ने लिखे कि जिनसे हमारे को प्रेम आसक्ति और व्यसन ये तीनों कृष्ण का प्राप्त हो। तो कृष्ण प्रेम, कृष्ण आसक्ति और कृष्ण व्यसन ये हमारे जीवन में आए, इसके लिए मैं तो खास कहूंगा आज भी अक्षय तृतीया पूरी नहीं हुई है, अक्षय तृतीया का एक चरण कल भी तृतीया के रूप में विद्यमान है, सेम नक्षत्रों के साथ, सेम करण आदि के साथ। मैं तो कहूंगा जिन जिन के आज पाठ रह गए हैं, जिनके आज श्रीमद् भागवत जी रह गई है, जिनके आज गीता जी का पाठ रह गया है, कल आग्रह पूर्वक जितना हो सके उसका पारायण करें, उसका जप करें। ये पर्व ऐसे महापर्व आते हैं कि जो एक बार लिए हुए भगवान नाम को शतगुण सहस्त्र गुण फल करके हमको देते हैं। ये बड़े रिचार्ज करने वाले पर्व हैं हमारी भक्ति को। तो आप जितना हो सके भगवान नाम लें, मैं तो यही कहूंगा। यहाँ कह रहे हैं कृष्ण ये कृष्ण मन माही गति जाने, सबसे पहले कृष्ण और ये कृष्ण मन माही गति जाने। हे कृष्ण अपन सब भी कौन है, अपन सब भी ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन है। हमको लग रहा है बस अभी आए कुछ वर्षों पहले, हम तो हैं ही भगवान की कृपा से, भगवान के अंश रूप में यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुरलिंगा विचरंती, विचरण दशा में जब से प्रभु में से बाहर निकले तब से हैं। अब कब से निकले वो तो खाली प्रभु को मालूम है, फिर भी भगवान कह रहे हैं कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हम जीव क्यों गए भाई, हम आपके अंश थे तो सच्चिदानंद हम भी होने चाहे हो। अरे अपन भी सच्चिदानंद है, वो निरवधि सच्चिदानंद है, अपन तो गणितानंद है, अपना तो गिना जा सकता है कितना सत कितना चित कितना आनंद। अभी आनंद तो है ही नहीं, गुप्त आनंदो ये तो जीवा निरानंदम जगत यथा पूर्णानंदो हरिस्तस्मात कृष्ण सेव्य सुखार्थी भी। अरे कृष्ण की सेवा करो यदि सुख चाहिए तो, क्योंकि गुप्त आनंदो ये तो जीवा, अपने अंदर आनंद गुप्त है, कहाँ है पता नहीं, पूरे दिन हम आनंद के ही आविष्कार में लगे रहते हैं। और निरानंदम जगत यथा, ये जगत में हम जो खोज रहे हैं वहां से आनंद नहीं मिलता, बहुत करो तो थोड़ी देर के लिए आंशिक सुख मिल जाता है पर आनंद की उपलब्धि जागतिक वस्तुओं में से नहीं होती। तो भाई कहा कि गुप्तानंदो ये तो जीवा निरानंदम जगत यथा, तो कहाँ जाए पूर्णानंदो हरिस तस्मा कृष्ण सेविया सुखार्थी, कृष्ण की सेवा करो तो वही पूर्णानंद है। तो वो पूर्णानंद भगवान घनीभूत सघन आनंद रूप है, उनका जब आनंद द्रवीभूत होता है तब तो हम खुशी स्वामी जी के रूप में, श्री अमनाथ जी के रूप में, श्रीमद आचार्य चरण के रूप में, हम प्रभु चरण के रूप में, गुरु जी के रूप में, अपने को भगवतियों के रूप में, उनकी वाणी के रूप में अपने को द्रवीभूत आनंद प्राप्त होता है। तो वो आनंद रस जब निष्पन्न हो, जब वो निर्झरित हो, तब उसका पान तुरंत कर लेना चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम, अरे रसमालयम की कभी सुबोधिनी देखो कि पिबत भागवतम रसमालयम में महाप्रभु जी ने क्या अर्थ किया, ये रस का आलय है, ये रस का घर है, ऐसा अर्थ नहीं किया। ये हिमालय जैसा कोई आलय है, हिम मतलब बर्फ, बर्फ का आलय मतलब हिमालय, ऐसा अर्थ नहीं किया कि पिबत भागवतम रसमालयम। वहां आलयम मतलब जब तक मरो नहीं, जब तक तुम्हारा लय नहीं हो जाए, जब तक तुम मिट ना जाओ, तुम्हारी हस्ती जब तक ये संसार में जगत में से गायब ना हो जाए, तब तक क्या करो, तो कहा पिबत भागवतम रसम आलयम, जब तक तुम ऊपर न जाओ भगवत धाम न जाओ तब तक यहाँ बैठ के भागवत जी पढ़ो। ये कह रहे भागवत जी ही तुमको सब पदार्थ सुलभ कराएंगे, क्यों, निगम रूपी वृक्ष के कल्प वृक्ष के वो गलित फल है, फल हाथ में है, रस हाथ में है और अपने को उसको खाने पीने की इच्छा ही नहीं है, क्या दुर्भाग्य। आप सोचो मानुषी जीवन का कितना बड़ा विचित्र विडंबना है कि व्यक्ति के पास सर्व पदार्थ करामलकवत सुलभ है, भक्ति मार्ग में सब चीज हाथ में है और हम उसका सेवन नहीं करते।
क्यों नहीं करते हैं? वो तो अब जब फल फलित हो, फल रूप जाने, हम क्या जाने, लेकिन होना चाहिए, जितना हो सके उसका पान होना चाहिए। यहाँ कह रहे कृष्ण ये कृष्ण मन माई गति जाने, अरे प्रभु मेरे मन की गति आप जानो। मैं तो आप सबको कहूंगा कि प्रभु तो सब जानते हैं, वो अपने जानने की बारी है कि अपनी गति क्या है, अपने को क्या करना है। तो कहा देह इंद्रिय प्राण दार आगार आदि वित्त आत्मा सकल श्री कृष्ण की मानी। देह ऐसा है, वो एक बहुत सुंदर कारिका सुबोधनी जी में आई है, और मैं आता हूं वहां पे भी, महाप्रभु जी कृपा करेंगे तो विस्फुरेगी। सबसे पहले एक चीज समझो, कृष्ण एव सदा सेव्यो, कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीत पंचधा बुधेहि। कृष्ण की सेवा क्यों करें, ये जो लोग पूछते हैं, उनका महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में उत्तर दिया है। सुबोधनी जी कारिका है, अभी कहां की है वो मुझे याद नहीं आ रही। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीत पंचधा बुधेहि, पांच कारण महाप्रभु जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बुद्धिमानों ने दिए। महाप्रभु जी आप स्वयं, आप तो साक्षात महापति हैं, तो भी कृपा करके कह रहे हैं कि भाई हमसे पहले जो ऋषि महर्षि आदि जितने हुए उन लोगों ने पांच कारण बताए कि मैं कृष्ण सेवा क्यों करूं। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीत पंचधा बुधेहि, सबसे पहले शरीर दह, ये शरीर किसने दिया, ठाकुर जी ने दिया। प्रेरकश्च, अपने को कोई भी कर्म में प्रेरित कौन करता है, ठाकुर जी करते हैं। अभी कहते हैं ना अपन बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु, आप मेरी बुद्धि को प्रेरणा दो। और अपन क्यों कहेंगे प्रेरणा दो, भगवान का कार्य ही है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये सब कुछ करता हुआ प्रभु निर्गुण रहता है, अपने में लिप्त नहीं होता। स्पष्ट अर्जुन को कह देता है नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेष्प्रह, मेरे को कोई से लेन देन नहीं भाई, लेकिन फिर भी मैं चेता हूं, मैं प्रेरिता हूं। तो शरीर दह प्रेरकश्च सुखदह, भाई सुख देने वाले भी कौन है, बिना भगवत कृपा के किसी को सुख नहीं मिल सकता। भगवत कृपा जिस पे हुई है उसी को सुख मिला है। समस्या क्या होती है, लोग कहते रहते हैं अरे जगत में पापी लोग बहुत खुश हैं, सत्पीड़ा व्यग्र लोग हैं, सत्पुरुषों को तो बड़ी पीड़ा है, ये दुष्ट लोग मजाक कर रहे हैं। अरे उनने कितने पुण्य किए हैं पूर्व जन्म में कि इस जगत में वो आदि भौतिक सुख भोग रहे हैं, अपन ने नहीं किए होंगे, इस बार कर लो। मैं वही तो कह रहा हूं जब से आज का व्याख्यान शुरू हुआ है, अरे इस बार कर लो, तुमको यही भोगना है ना अगर जीवन में, तो धर्म धर्माचरण करो, धर्म को जियो। जिन्होंने धर्म को जिया है वो आदि भौतिक सुख संपन्नता ये सब चीजों को भोग रहे हैं, आनंद से भोग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दानवों के सुख में क्या कमी थी भाई, दैत्यों के सुख में क्या कमी थी, लंका जैसे ऐश्वर्य से युक्त भूमि में विलास और विहार करते रहते थे, फिर भी क्या होता था, नहीं भारत वर्ष में आना है, भरत खंड में आना है, आर्यावर्त में आके उत्पात मचाना है। अरे क्यों उत्पात मचाना, वहां क्या कम भोग भोग रहे थे, नाग आदि जो लोग होते हैं जो 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 अनंतम योनि में होते हैं वो भोगवती आदि पुरी में नीचे पाताल पर्यंत में सुख भोगते हैं। बस सुख भोग रहा है कोई व्यक्ति, बस इससे लग रहा है कि वो बड़ा धर्मात्मा है, नहीं वो इस जन्म में धर्मात्मा नहीं है, पर कोई ना कोई जन्म में उसने ऐसे धर्माचरण किए हैं कि वो इस जन्म में धर्म का फल भोग रहा है, ये अधर्म का फल नहीं भोग रहा, धर्म का फल भोग रहा है। हमको अभी लगता है कि भाई अब वो तो कैसा है, जब तक बैंक बैलेंस है तब तक क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, जब तक बैंक बैलेंस है तब तक डेबिट कार्ड चल रहे हैं, ये कार्ड बाद में चलेंगे जब वहां सब नील दिखाएगा, वहां कुछ नहीं होगा, अधा पतन होगा। और अधा पतन भी कैसा होगा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति एवं गति धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। गीता जी ने तो सब कुछ खोल के कह दिया है, हमको समझना चाहिए, हमारी भी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे ही तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम ही नहीं अभी तो इस मृत्यु लोक में भी जब हमारे पूर्व जन्म में संचित अच्छे कर्मों का सारा बैलेंस पूरा हो जाएगा तो अधोगति हमारी यहाँ भी होगी। और हम देखते ही हैं कहाँ का व्यक्ति कहाँ आ जाता है, आपद्गतम मससि किम द्रविडांत मूढ़ लक्ष्मी स्थिरान भवती किमत्र चित्रम एतान प्रपश्यसि घटान जलयंत्र चक्रे रिक्ता भवंती भरिता भरिताश्च रिक्ता। भरे लोगों को खाली होते देखते हैं, खाली लोगों को भर जाते हुए देखते हैं, ये हम जल चक्र की तरह बिल्कुल वाटर साइकिल की तरह देखते हैं कि नहीं देखते हैं हम श्लोक में, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सब कुछ भगवदाधीन है,
तो ये जो सुख देने वाला भी जो तत्व है ना, ये आनंद देने वाला भी जो तत्व है ना, ये भगवान श्री कृष्ण है, कृष्ण से इतर और कोई नहीं है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचधा बुधेहि शरीरदा प्रेरकश्च सुखदा शेष। ये जब जगत में पूरे इस चतुर्दश विवर युक्त ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं बचेगा ना, तो भी केवल भगवान रह जाएंगे। भगवान की जो सत्ता है वो कहीं आती जाती नहीं, वो है। ऐसा है कि हम खुद बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलके कृष्ण का को नमस्कार क्यों करें? तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तीनों प्रकार के ताप को कौन निवृत्त कर सकता है? जो स्वयं सच्चिदानंद रूप हो। वो जब सत रूप में होता है तब भी पूर्ण सदानंद होता है, जब वो चिद रूप होता है तब भी पूर्ण चिदानंद होता है, और आनंदमय तो पूरा है ही। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा भगवान का स्वरूप है। एको वशी सर्व भूतांतरात्मा एकम रूपो बहुधायो करोति तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषां। शाश्वत सुख भोगना है तो जान लो कि वो ईश्वर अपने हृदय में ही विराज रहा है, हृदय से इतर कहीं नहीं विराज। गोपीनाम तत्पतीनाम च सर्वेषाम देहधारिणाम योन्तश्चरति सोध्यक्ष क्रीड़े नेने देहभाग। सुखदेव जी पूछते राजा परीक्षित, जब गोपीजनों में गोपी के पतियों में और ये सर्वेषाम देहधारिणाम सबके हृदय में पधार के प्रभु रास कर रहे थे, तब तुमको प्रश्न नहीं हुआ? ये खुद देह लेके शारीरी पंचमी वाच्य ततो रूपम प्रतिष्ठितम, ये अपनी रूप की प्रतिष्ठा करने के लिए प्रभु यहाँ रास कर रहे हैं, तो तुम कहते हो परदारा विमर्शनम, काय की परदारा, सब धारा प्रभु की जय, सब धारा ठाकुर जी की जय, कोई की पर धारा है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ही शेष है। और सत्यदा सुखदा शेष सत्यदा, पांचवी वस्तु जो है सत्यम परम धीमही, सत्य का ही ध्यान करो, सत्य का ही अनुसरण करो। सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मैंने आपने नहीं कहा, ब्रह्मादि जितने भी देवता कारागृह में गर्भस्तुति करने पहुंचे, उनने क्या जाना ये देवकी जी के गर्भ में कौन विराजे हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, ये त्रिसत्य हैं, ये भूतकाल में भी हैं, ये वर्तमान में भी हैं, ये भविष्य में भी यही रहने वाले हैं। इसलिए प्रभु की सेवा बहुत जरूरी है। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीता पंचदा बुधैः शरीरतः प्रेरकश्च सुखदा शेष सत्यदा। इसलिए तो उन परमात्मा की ही भजन करना पड़ेगा, उस परमात्मा का ही यजन करना पड़ेगा। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का यजन करो। परम पुरुष का यजन कैसे होगा? देह से होगा। तो पहले देह प्रभु को समर्पित करो। देह कैसे कार्य करता है? इंद्रियों से कार्य करता है। ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री चलेंगी तब देह कार्य करता दिखेगा। तो देह इंद्री है। इंद्रियों में बल कहां से आता है काम का? प्राण से। प्राण, ये प्राण बहुत जरूरी चीज है। क्यों? इसी कारण हमारे को जीव संज्ञा मिलती है। हम क्यों ब्रह्म संज्ञा लेके नहीं बैठे रहते? हम जीव क्यों हो जाते हैं? जीव हो प्राण धारिणा, जिसने प्राण को धारण किया है उसको जीव कहा जाता है। अपन जीव है तो सबसे पहले क्या करना है? अरे प्रभु, ये देह से मैं आपकी सेवा करता हूं, ये देह पहले आपका। ये देह कैसे कार्य करता है? इंद्रियों से कार्य करता है। इंद्रिय सब आपकी, ज्ञान इंद्रिय भी आपकी, कर्म इंद्रिय भी आपकी। परांचिकानी व्यतण स्वयंभू तस्मात् पराक् पश्यति नांतरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मन वैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम् इच्छन् उपनिषद कहता है। मुंडक भी कहता है, कठोपनिषद भी कहता है। क्या कहता है? भाई सारी ज्ञान इंद्रिय एक्स्ट्रोवर्ट है, आंख नाक त्वचा जिह्वा कर्ण सब बाहर का ही मजा ले सकती है, अंदर का कुछ काम इनको समझ में नहीं आता। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन, लेकिन कभी एक ऐसे धीर व्यक्ति पे धीरा पश्यंती नाना रूपेण भगवता पश्यंती धीरा। हाँ, तो क्यों? जब एक धीर आदमी ऐसा होता है ना प्रत्यगात्मान इच्छत, वो कुछ भी करके अपनी ज्ञानेन्द्रियों को इस प्रकार से वश में करता है कि वो अंतरात्मा में विराजते ठाकुर जी को देख लेता है, और जब अंतरात्मा में विराजते ठाकुर जी का वो दर्शन कर लेता है तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परम तत्व का दर्शन करने के बाद कोई कर्म शेष नहीं रह जाते,
कोई प्रकार की हृदय में ग्रंथि नहीं रह जाती, कोई प्रकार का संशय मनुष्य के जीवन में नहीं रह जाता, ज्ञान मार्ग ही लोगों के मुख से निकल जाता है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। अरे कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने, उनको बोलने की क्या जरूरत है, वो तो खुद गीता की टीका करने वाले लोग हैं। गीता में नहीं पढ़ा, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, मैं ही सबके ऊपर हूं, मेरी सेवा करो। मेरी सेवा काय से करो कि देह से करो, इंद्रिय से करो, प्राणों से करो। और फिर कहा ये देह इंद्रिय प्राण किसको प्रिय है, तो कहा सबसे पहले तो ये दारा को प्रिय है, और आदि में पुत्र को प्रिय है, माता पिता को प्रिय है, सबको प्रिय है वास्तविकता, लेकिन ये नहीं है। नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवति, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि दूसरों को अपन प्रिय है इसलिए अपन प्रिय लगते हैं किसी को, नहीं, अपन अपने आप से प्रेम करते हैं ना, इसलिए अपने को सब अपने लगते हैं और अपने को लोग प्रिय लगते हैं। ये उपनिषद का स्पष्ट उद्घोष है कि नवारे सर्व कामानाम सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामानाम सर्वम प्रियम भवति। किसी के द्वारा कितना भी दुख देने पर आदमी क्यों नहीं मरता है, क्यों जीता रहता है, क्योंकि वो खुद से प्रेम करता है। और जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है ना, वो दुखों से लड़ लेता है। कौन लोग दुखों से नहीं लड़ पाते, आप देखो सुसाइड करने वाले दुखों से नहीं लड़ पाते, क्यों, वो खुद से प्रेम नहीं करते। क्या करते हैं, छल्ले आत्महनन करते हैं। असुरिया नाम ते लोक अंधेन तमसावृता, वो फिर वो कहां जाते हैं, असुरिया नाम के एक लोक में जाते हैं, अंधेन तमसावृता। वो जो आत्महनन करते हैं, जो आत्मघात करते हैं, उनकी उनकी निष्कृति ही नहीं होती, उनका उद्धार ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे उनका सूतक पिंडरू नहीं लगता, कोई प्रकार का सूतक नहीं लगता उनका, क्यों नहीं लगता, उनने शास्त्र की मर्यादा से बाहर जाके कार्य किया। और शास्त्र मर्यादा क्या कहती है, अपने आप से प्रेम करो, अपने देह से प्रेम करो। क्यों देह से प्रेम करो, यही साधन है, यही कारण बनेगी भगवत प्राप्ति में, यही कारण बनेगी भगवत सेवा में। देह का रक्षण क्यों करना है, भगवत सेवार्थ करना है। देह का रक्षण, देह का पोषण, देह को व्यवस्थित क्यों रखना है, क्योंकि भगवत प्रदत्त है, इसके लिए अप्लाई नहीं किया था अपन ने, कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी माँ बाप को कि हमको पैदा करो, प्रभु ने कृपा करके ये कुल में ये घर में और इस प्रकार का जन्म अपने को दिया। क्यों दिया, खुद की सेवा के लिए दिया, उन खुद के नाम में तत्पर रहने के लिए दिया। हम उसका नाम छोड़ के दुनिया के काम में तत्पर हो गए, प्रभु विचार रहे कब आएगो, कब आएगो मेरे पास। ये परिस्थिति से लड़ना है, ये आत्म परिस्थिति, आत्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या करना, क्यों, बाहर के बहुत काम, बाहर के बहुत काम, अंदर के काम कब करोगे, उसके लिए कौन सा जन्म लेके आओगे, क्या बाबा मैं मेरे अंदर के मेरे काम के काम करूं, यही है सब, इसी समय करना है। क्यों, सब है, स्वर्ग नरक आदि सब है, पर क्यों वहां जाना है भाई, पहले यहाँ जो यहाँ इस जन्म को यदि हम स्मरणम भजनम चापी नित्याज्यम करके अपने इसी को मुक्षा क्या कहते हैं मुक्तावस्था बना सकते हो, तो इतर लोक में जाके क्यों परिभ्रमण करें भाई, ये लोक में कम वैकुंठ है, ये लोक में कम गोलोक है, हमारा घर गोकुल नहीं है, हमारा घर ब्रजमंडल नहीं है, हमारे घर में ब्रजाधीश नहीं है, फिर वहीं चलें हम, सबसे पहले अपने ठाकुर जी की शरण में जाएं। क्या कहते हैं दारा गार आदि, आपका वित्त थोड़ी देर बाद आया है, आजकल के लिए लोगों के पहले आना चाहिए वित्त, वित्त से सबसे ज्यादा ममत्व है लोगों का, वित्त मतलब ये गोपी चंदन, बाकी बिना तिलक नहीं होए कोई के भी, गांठ में गोपी चंदन होना बहुत जरूरी है। तो वित्त कहा कि वित्त भी प्रभु का ही है सब, आत्मा सकल श्री कृष्ण की मानी, ये सब प्रभु के द्वारा ही। अरे भाई मैं तो कहता हूँ ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधक कश्चित् धनम। उपनिषद ईशावास्य उपनिषद पहला मंत्र ईशावास्य इदम सर्वम, ये जो कुछ इदम कार जगत दिख रहा है किसका है, ये प्रभु का है। यत् किंचित् जगत्याम जगत, इसमें जो कुछ हमको प्राप्त हुआ, अगर हमने प्रभु को पहले नहीं दिया तो कहा माँ गृध, गिद्ध की तरह नोच मत उस चीज को, गिद्ध मत बन। गिद्ध क्या करता है, कोई भी चीज पड़ी सबसे पहले खुद नोचता जाए, ये वृत्ति मतला हे जीव, तू पहले ठाकुर जी को धर, पहले प्रभु के लिए कर, पहले भगवद अर्थ हर वस्तु निकाल, फिर अपने उसमें उपयोग में ले। ये तो यही तो संप्रदाय कह रहा है, संप्रदाय हर चीज में इतना ही कह रहा है ना, प्रथम भोक्तृत्व अपने सब सुख और सुख के पदार्थों में पहले ठाकुर जी का रखो, फिर जो भोगना है वो आनंद करो। हमको विषयानंद की आज्ञा दी है, विषयानंद किसको कहते हैं, विषयानंद उसको कहते हैं कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की मर्यादा में रह के जिन विषयों को भोगा जा रहा है,
शास्त्र मर्यादा में रह के जिन स्त्री का पुत्र का घर का वित्त का परिवार का हम भोग कर रहे हैं शास्त्र मर्यादा के अनुकूल, उसमें से जो आनंद निकल रहा है उसको विषयानंद कहा गया। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्म का ही स्वरूप आनंद है। जब वो जागतिक पदार्थों में आए वो भी धर्मता उपार्जित, तब उसको विषयानंद कहते हैं। विषयानंद मतलब ये नहीं कि हम गांव भर में अपराध और व्यभिचार और पापाचार और अत्याचार और नाचार करते फिरे और क्या उसमें बड़ा विषयानंद आया। विषयानंद इतना तुच्छ और गौण नहीं है। विषयानंद भी तब आएगा जब तुमने उन विषयों का उपभोग या उपयोग भी धर्मता किया होगा। धर्म से उपार्जित श्री को भोग रहे हो, धर्म से उपार्जित घर को भोग रहे हो, धर्म से परिणित स्त्री को भोग रहे हो, धर्म से उत्पन्न किए गए पुत्र पौत्र आदि को भोग रहे हो, तो जो तुमको आनंद मिल रहा है ना उसको शास्त्र ने विषयानंद कहा है। लोग क्या समझते हैं विषयानंद मतलब सब उल्टे काम मतलब विषयानंद, क्योंकि तुमको कहा विषय मतलब, अरे विषय मतलब प्रापंचिक, प्रपंच से जागतिक जो भी वस्तु है वो सब विषय है। ये विषय से आनंद से उठ के ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद से भजनानंद, भजनानंद से स्वरूपानंद तक ले जाना, ये कार्य है धर्म का संप्रदाय का। पर विषयानंद में भी रहने के लिए व्यक्ति को धर्माचरण तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो विषयानंद नहीं होगा, विषयाशक्ति बन जाएगा। विषयाशक्ति पापाशक्ति की ओर ले जाएगी और फिर क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, तब तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्योंकि तुमने तब विषयों का सेवन, विषयों का ध्यान धर्म संगत होके नहीं किया, तुमने असंगत होके या शास्त्र विधि मुत्सज्ज वर्तते काम कारता न च श्रेयम उपाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न सुख यहां मिलेगा न परागति मिलेगी, क्योंकि तुमने शास्त्र विधि उत्सज्ज कर दिया, छोड़ दिया। ऐसा तो नहीं करना है हमको, हमको क्या करना है, अत्र शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर यासि, साधारण कर्म भी हमको करना है तो शास्त्र देख के करना है, वेद मर्यादा देख के करना है, गुरु उपदेश से करना है, और तब जो हम करके हमको जो भौतिक में जगत में सुख प्राप्त होगा वो हमको विषयानंद देगा। विषयानंद मिलेगा तो पता चलेगा कि ये आनंद के पदार्थ हैं जो ठाकुर जी को समर्पित जाएंगे तो प्रभु को भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मैं जीव दशा में इसमें से आनंद ले रहा हूं। तब अच्छे वस्त्र भोग धरोगे, अच्छे वस्त्र ठाकुर जी को धराओगे, अच्छी वस्तु भोग धरोगे, इत्र समर्पोगे, लाड लड़ाओगे, मनोरथ करोगे, कीर्तन करोगे, राग भोग श्रृंगार रूपी एंटरटेनमेंट ठाकुर जी के लिए लाओगे। क्यों लाओगे, क्योंकि तुम उससे एंटरटेन्ड हो रहे हो। जब आदमी खुद ही नहीं होगा, लंगोटी लगा के बैरागी हो जाएगा, क्या ठाकुर जी को लाड लड़ाएगा बताओ। तो संप्रदाय आपको ये थोड़ी कह रहा है सब चीजों से विरक्त हो जाओ, संप्रदाय कह रहा है जिन चीजों में अनुरक्त हो आसक्त हो वो सब चीजों को पहले प्रभु में लगाओ। ये यहाँ ये कीर्तन यही कह रहा है, कृष्ण मम स्वामी हो दास मन वच कर्म, कर्ता ये ही सदा जी जानिए, कर्ता को हमेशा ये जानना है कि कृष्ण मम स्वामी हो दास और मन वच कर्म, मन वाणी और कर्म से क्या करना है, तो कहा कि शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देह कृष्ण सेव्य, मन वाणी कर्म से प्रभु की सेवा करनी है। कब करनी है, शास्त्रम अवगत्य, शास्त्रों का अवगाहन करके, और कृष्णदास निनाथ हरिदास वर्यधर चरण रज वल्लभाधीश मन सानिए, और कृष्णदास निनाथ हरिदास वर्यधर, हरिदास गिरिराज जी को अपने हस्त पे धरने वाले जो श्री गोवर्धन धर है वो मेरे कृष्णदास के निनाथ है, हर कृष्णदास का वही नाथ है क्योंकि वो साक्षात श्री कृष्ण है श्रीनाथ जी। वो कह रहे हैं चरण रज ये चीज, ये सब ऊपर के पदार्थ प्राप्त करने हैं तो वल्लभाधीश मनसानिए, पहले श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में चित्त लगाओ तो अपने आप श्री गोवर्धन धर के चरणारविंद में आपका मन बैठेगा जाके। यहाँ आज अपन इस चीज को रखते हैं और इसके बाद कल से हम हमारा जो गंभीर प्रसंग आएगा अब लीला संबंधी, लीला संबद्धता से युक्त, उसको अपन कल से खूब ध्यान पूर्वक देखेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे जाऊं ताकि आप लोग जो पहली बार इस क्रम को श्रवण कर रहे हैं वो लोग भी उसका पूर्ण आनंद ले सकें। आइए आश्रय का पद करिए, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटापिन सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो
साधन और नहीं या कली में जासो हो यानी बेरो सूर कहा कहे द्विविधयांधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरण केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय। सभी को पुनश्च एक बार आज अक्षय तृतीया महापर्व के खूब खूब शुभाशीर्वाद और आप सभी को खूब खूब आपका जीवन भगवनमय सुखमय आनंदमय कृष्ण नाममय बने ऐसी श्री ठाकुर जी के और महाप्रभु जी के चरणारविंद में विज्ञप्ति। भक्ति सेतु